हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था जीआईबी के बारे में सब कुछ कि एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट होता है, कब कब होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें मेंबरशिप लेना पड़ता है, कितना फीस है और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, पासिंग मार्क्स क्या होते हैं, कितना अटेम्प्ट मिलता है, ये सारी जानकारी हमने लास्ट वीडियो में ली थी। ठीक है, मैंने बोला था कि अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको देना चाहूँगा। ठीक है, तो ये मेरा जीआईबी का सर्टिफिकेट है, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में भी। और यहाँ से हम आते हैं, मेरे पास एक पीडीएफ है लास्ट ईयर का, जो जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये रहा। ठीक है, इसमें रूल्स वगैरह सब कुछ दिए, रूल्स एंड सिलेबस। आप ये वेबसाइट पे जाइएगा www.iibf.org.in, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा रूल्स एंड सिलेबस। ये मेरे पास पुराना है 2020 का, आप नया डाउनलोड कर सकते हैं, सब चीज़ सेम है। ठीक है, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो सिलेबस पूरा आपको समझा देंगे कि ये सिलेबस है, ये चीज़ें आती हैं, कहाँ से आती हैं, कहाँ से पढ़ना है, वो बुक बता देंगे, ये बुक है, वो है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा। कोई स्ट्रेटजी भी आप सर्च करेंगे जेएमई से रिलेटेड, सब आपको सिलेबस ही पढ़ा के चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा आपके साथ ही, क्या स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, जो आपको फॉलो करना है जिससे वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी डिस्कस करने से पहले कुछ बातें जो आपको बताना चाहूँगा ताकि स्ट्रेटजी का बेस बन सके, आपको समझ में आ सके कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम एग्ज़ाम देते आए हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें क्या होता है, वैकेंसी आती है, फिर कट ऑफ डिसाइड होता है वैकेंसी के हिसाब से, कट ऑफ डिसाइड होता है। ठीक है, और फिर सिलेक्शन होता है, ये हमारे हैबिट में है। ठीक, तो हम इसी तरीके से इसकी तैयारी करने लगेंगे, क्या करेंगे, सिलेबस उठाएंगे और सिलेबस पढ़ने लगेंगे पूरा सिलेबस, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजने लगेंगे, सिलेबस खोजेंगे और फिर सिलेबस पढ़ने लगेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, वो सब नहीं करना है क्योंकि ये उस तरीके का एग्जाम नहीं है। इसमें क्या है, वैकेंसी नहीं आती है, इसमें कट ऑफ पहले से डिसाइड है, 50% आपको लाना है, 50% मार्क्स लाना है, पहले से डिसाइड है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको नहीं मिलेगा, मेमोरी बेस्ड कुछ लोग याद करके रखे होंगे तो वहां से मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। सिलेबस अवेलेबल है, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा ज्यादा सिलेबस से। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पे आती नहीं है, सबका सिलेक्शन हो सकता है, जितने लोग हैं सबका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसमें हमें थोड़ा सा अपना चेंज लाना पड़ेगा पढ़ने के तरीके में, क्या चेंज लाना पड़ेगा, हमें फोकस करना होगा 50% मार्क्स पे, कि हमें किसी भी तरीके से 50% मार्क्स लाना है। हम यहाँ अप्लाई करेंगे 80-20 प्रिंसिपल, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा 80-20 प्रिंसिपल, आपको समझ आएगा क्या होता है, क्या है इसमें, कि 20% सिलेबस से 80% मार्क्स आता है, ऐसा हर चीज हर जगह अप्लाई होता है, बहुत सारी जगह पे, केवल यहाँ पढ़ाई में ही नहीं, सारी जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं इस रूल को। 20% काम से आपका 80% आउटपुट निकल जाता है, 20% एफर्ट से 80% आउटपुट निकल जाता है। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, सिलेबस का वो 20% हिस्सा हम खोज के निकालेंगे जिससे 80% मार्क्स आता हो, फिर हम उस 20% हिस्से को अच्छे से पढ़ेंगे, प्लस जो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे। ठीक है, और 80% मार्क्स लाना हम सिक्योर करेंगे तो हमारा 50% का टारगेट पूरा हो जाएगा, ये हमारा स्ट्रेटजी रहेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा वो 20% हिस्सा कौन कौन सा है। इस वीडियो में मैं एक खाका तैयार करने वाला हूं आपके लिए कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है, तीन पेपर है हमारे पास, PPB, AFB, LRB। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर है, ये सेकंड पेपर है, ये थर्ड पेपर है। ठीक, अब ये सारी बातें आपको कहीं नहीं मिलेगी यूट्यूब पे, जो मैं अब यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग, ये फर्स्ट पेपर है लेकिन आपको इसको पढ़ना लास्ट में है, फर्स्ट पेपर है लेकिन पढ़ना आपको लास्ट में है, क्यों पढ़ना लास्ट में यही बताऊंगा। AFB अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑफ बैंकिंग, इसको आपको बीच में पढ़ना है, सबसे फर्स्ट पहले हमको पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है LRB को, क्योंकि LRB जो है लीगल एंड रेगुलेटरी ऑफ बैंकिंग, LRB सबसे टफ पेपर है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सबसे टफ पेपर आपका LRB का है। LRB आपको
अभी से पढ़ना स्टार्ट करना। जब एलआरबी आपका कंप्लीट हो जाएगा तब आप एएफबी पढ़िएगा, उसके बाद पीपीबी पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहला एग्जाम आएगा पीपीबी का और उसके वन वीक बाद, एक वीक के बाद ही आपको एएफबी का एग्जाम देना होगा, फिर उसके वन वीक बाद, एक वीक के बाद आपको एलआरबी का एग्जाम देना होगा, ठीक। तो आपके पास सिर्फ एक वीक का टाइम मिलेगा एलआरबी पढ़ने के लिए, और जो कि सबसे टफ एग्जाम है, इसी एग्जाम में सबका रह जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही एक एग्जाम ऐसा है जो नहीं निकलता है पहले टर्म में, ये दो निकाल लेते हैं इसमें रह जाते हैं। कुछ लोग एएफबी नहीं निकाल पाते हैं, पीपीबी तो सबका निकल जाता है, ये इजी है, सबसे इजी है ये, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले हम पीपीबी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके पहले एक महीने पहले हम एलआरबी कंप्लीट कर चुके रहना चाहिए, फिर एक महीने तक हमें एएफबी पढ़ना है, और लास्ट 10 से 15 डेज पहले हम पीपीबी पढ़ना चालू करेंगे और हमारा पीपीबी हो भी जाएगा, ठीक है। पीपीबी में क्या आता है, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग है, इसमें सब थ्योरी है। आप बुक को पढ़ते जाएंगे, और आप पढ़ के आए हैं अभी बैंकिंग में कि चेक क्या होता है, सीटीएस क्या होता है, जनरल बैंकिंग टर्म्स जो है वो सब, उसी को थोड़ा एलेबोरेट करके इसमें पढ़ाया गया है। थ्योरी है, पूरा थ्योरेटिकल है, तो आप इसको गो थ्रू करेंगे बुक से तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, और 6 महीने आप बैंक में काम भी कर चुके होंगे तो इस पे ज्यादा आपको एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लास्ट में पढ़ना है, 10 से 15 दिन में इसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। एएफबी में क्या है, अकाउंट एंड फाइनेंस है, इसमें न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। न्यूमेरिकल पार्ट जो मैं 20% कह रहा हूँ, 20% में हमारे न्यूमेरिकल वाले पार्ट में हम ज्यादा फोकस करेंगे एएफबी के, ठीक। तो न्यूमेरिकल खाली उन्हीं का हो पाएगा जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, वो न्यूमेरिकल को इजीली कैच कर लेंगे। तो एएफबी में एएफबी का कट ऑफ 50 मार्क्स का कट ऑफ हम न्यूमेरिकल के दम पे निकाल सकते हैं, तो 30 मार्क्स तक तो हम न्यूमेरिकल के दम पे ला सकते हैं, बाकी 20 मार्क्स थ्योरी से आ जाएगा। एलआरबी जो है वो पूरा लीगल है, इसमें क्या है, आप थ्योरी है लेकिन आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे क्योंकि लीगल वाले सारे टर्म्स आते हैं इसमें, ठीक है, कौन सा बॉन्ड क्या, मतलब सब नंबर सेक्शन वगैरह याद करने होते हैं, सारे लीगल होते हैं इसमें, तो ये सबसे टफ इसीलिए बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद एएफबी पढ़ेंगे, उसके बाद पीपीबी पढ़ेंगे, तो ये हमारा क्राइटेरिया होगा। कहाँ से पढ़ना है, तो मैकमिलन का बुक है, आपको जो मैंने ये बताया इस वेबसाइट पे जाइएगा, फिर से मैं ऊपर आपको लेके आता हूँ, आप ये IIBF के साइट पे जाइएगा, IIBF.org.in, यहाँ पे स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, स्टडी मटेरियल में वहां से आपको बुक्स मिलेंगे, बुक के PDF मिलेंगे, आप वो PDF वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे पेपर के नाम डाल के PPB PDF और LRB PDF, आपको वहां से PDF अवेलेबल हो जाएंगे। कोई भी स्टैंडर्ड बुक, एक मैकमिलन की बुक आती है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको जो भी समझ में आता हो, बुक सही लगता हो उसको फॉलो करें। तो मैंने मैकमिलन की बुक ही फॉलो की थी, सिर्फ और सिर्फ वही बुक फॉलो की थी। आप भी कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, मैकमिलन की बुक फॉलो कर लीजिए, मेरे हिसाब से वही सबसे बेस्ट है। और आप अड्डा JAIB करके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे, तो वहां पे आपको ग्रुप मिल जाएगा अड्डा JAIB CIB करके टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, आप वहां ज्वाइन करेंगे, वहां पे इनफ स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। वो लोग क्विज कराते रहते हैं डेली बेसिस पे, और एग्जाम टाइम पे वो वेरी एक्टिव रहते हैं, उस टाइम पे कराते रहते हैं। और अड्डा 247 के यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट है वहां पे JIB के नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में पीछे के सबसे पुराने जो वीडियो थे, अभी जो नए वीडियो है उसमें मत जाइएगा, पुराने वीडियोस में जाइएगा वहां पे। अभी के नए वाले वीडियो में क्या है, वो केवल क्वेश्चन कराते हैं, बस 10 से 15 क्वेश्चन कराते हैं बस, उससे आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट बनाना है आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप एकदम पीछे सबसे पुराने वीडियो में चलिएगा, वहां पे वो लोग पढ़ाए हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको टॉपिक वाइज उन्होंने पढ़ाया है, तो आप एक सिलेबस पहले निकाल लीजिए, सिलेबस निकाल के उसको, पीपीबी की बात कर रहा हूँ, पीपीबी अभी पढ़िए, नेक्स्ट वीक में मैं आपको जो मैंने बोला 20% क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। मेरा जो लैपटॉप है थोड़ा हैंग कर रहा है, आज भी हैंग कर रहा है,
और मैंने इसको बनने के लिए दिया था, आज लेके आया हूँ, इसीलिए इतना लेट हो गया। 40 दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, लॉकडाउन में बन नहीं रहा था कहीं, बना भी तो अभी ये सही से बना नहीं है। अभी मैं लेके आया, सोचा वीडियो बना दूं आपके लिए, लेकिन ये अभी भी हैंग कर ही रहा है। ठीक है, तो ये मैं नेक्स्ट वीक संडे को ये 20% बताऊंगा क्या क्या वो टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है। लेकिन पीपीपी आप एक बार तब तक पूरा गो थ्रू करिए, पूरा बुक पढ़ लीजिए, उसमें बहुत इजी है, मतलब आप बैंकिंग टर्मिनोलॉजी सारे रहेंगे उसमें इससे। और ये सिर्फ एक ये पीपीपी मुझे लगता है एक ऐसा चैप्टर है जो आपको लाइफ टाइम बैंक में काम भी आएगा, इसके इससे जो नॉलेज आपको मिलेगा आपको डेली बैंकिंग में काम भी आएगा। ये उसके बाद वाले तो आप भूल जाएंगे, इसे मैं भूल रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, तो पुराने जो वीडियोज हैं इस चैनल के उस पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में पुराने वीडियोज में चलिएगा, उसको देखना स्टार्ट करिएगा, खाली पीपीवी वाले वीडियो देखिएगा और उसको फिर बुक से पढ़िएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।